हेलो घर वालों, स्वागत है आपका गंदन समोसा के नए वीडियो में, नवीन वीडियो में, ब्रांड न्यू वीडियो में, मस्त टीचर रॉकिंग वीडियो में। आज हम कर रहे हैं इधर उधर की बातें का अगला एपिसोड। बड़ा फर्क तो हाँ, फटाफट के साथ देखो, हम लोग अपना फेवरेट आइटम रखे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं दुकान में कैसे जाके खरीदी। उसके जाकर बोले कि भैया एक फटाफट देना, बोला नहीं, उसको जाकर बोली भैया फटाफट देना, इतना तो सुना दे फिर। तो क्या कि हम गए थे मास्क खरीदने के लिए, क्योंकि मास्क खरीदना तो जरूरी है। और फिर हम वहाँ गए और हमको फटाफट कर देखा, और मैंने कहा भैया वो देना, तो ढक्कन खोल के एक निकाल के दे दिया। मैंने कहा भैया वो डब्बा ही देना, तो बोला मैडम ये पूरा डब्बा, फिर उन्होंने दे दिया। बड़े होने का यही फायदा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कितना भी खरीद सकते हो। हमारी पार्टी हो रही है। आज हम आ जाते हैं अपने इधर उधर की बातें के नए टॉपिक पे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट्स की तरह नहीं, लेमैन की तरह, पॉजिटिविटी इन लॉकडाउन के बारे में। ये ऐसा लॉकडाउन है जो खत्म ही नहीं हो रहा, हम लोगों को घर रहते रहते, हम सब लोगों को कम से कम 1.5 साल हो चुका है। नहीं, कम से कम 1.5 साल नहीं, मोटा मोटा 1.5 साल हो गया हमको। मोटे मोटे तो हम लोग काफी हो गए 1.5 साल से। तो ये सब ना बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि आप घर में बैठ के वेट गेन कर रहे हो, आप ज्यादा खाना खा रहे हो। कुछ लोग हैं जो वेट लूज करने का ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वेट लूज करते देख रहे होते हैं। मेरे आसपास तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, मेरे रिश्तेदार तो उनमें से नहीं है, वो तो उन्हीं में से हैं जो कि मतलब इतना मुश्किल हो गया है पॉजिटिव रहना। जैसे मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, वो लोग कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी भी है कि लॉकडाउन से जब बाहर आएंगे हम सब लोग, तो डिप्रेशन शायद एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है जिससे हमारे देश को या फिर पूरी दुनिया को ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि लोग डिप्रेस हो गए हैं घर में रह रहे थे। तो मेरे को लगता है कि अभी इम्पोर्टेंट है कि हम इस सब के बारे में बात करें कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। वो करके जो मन कर रहा है, मेरे को एक्चुअली घर में रहना बहुत पसंद है, और जो फंडामेंटली लोगों को अच्छा फील कराता है उसको छोड़ के हम सब कर रहे हैं। रात के 6-6 बजे तक टीवी देखना, बिंज वॉच करना, सोना नहीं, फटाफट खाना। हाँ, मतलब एक्चुअली ये मेरा एडवाइस रहेगा, थोड़ा ज़्यादा एडवाइस है तो प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मुझे ऐसा लगता है आप रूटीन मत बनाओ, क्योंकि वो मोनोटोनस हो जाएगा। आप रोज उठकर वही कर रहे हो, आप घर से मोस्टली बाहर भी नहीं जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो अपने एसेंशियल सोर्स करने जा रहे हो, नहीं तो नहीं जा रहे हो। मोटा मोटा मेरा ये कहना है कि अगर आप रूटीन ना रखो तो आपके बोर होने के चांसेस कम है, क्योंकि फिर आपने फिक्स नहीं कर रखा, आपके लिए हर दिन नया है अपने ही टाइप में। वाओ, जब पिछले बार मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद अक्टूबर तक बाहर ही नहीं गया, मेरे तक इतना ज्यादा आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम स्टेइंग एट होम। रूटीन नहीं मेंटेन करना समटाइम्स इज गुड, रियली इज गुड। मतलब हम तो यही एडवाइस करेंगे कि आप मत रखो रूटीन, ऑल्दो आई वुड एडवाइस कि घर से बाहर मत जाओ, पर अगर फॉर्चुनेटली अपनी गाड़ी है तो एक राइड ले आओ, गाड़ी में जाके बाहर गेरी मार सकते हो, मैंने बोल दिया है अगर। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि डबल मास्क और वो सब लगा के। But still, even if you're going out there, if I go out only if there's a purpose, मतलब I have gone out 3 times in the past 3 months. तो बाहर जाने से पहले डर लगता है, मास्क किसी का इधर से ऊपर नहीं जाता है, and there are like 20,000 people at the same place. So I do not think कि वो round लगाना is gonna help. पर हम positivity के बारे में बात कर लेते हैं। और I think aware रहना important है। लेकिन कोशिश करो कि आप रोज नहीं पढ़ रहे हो कोरोना के बारे में, मतलब थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबिली बिहेव करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कीपिंग योरसेल्फ सेफ बट नॉट कीपिंग योरसेल्फ इनफॉर्म्ड। डबल सवारी लगी है, आई डोंट आई नो आई नीड ऑथेंटिक सोर्सेस से न्यूज़ कंज्यूम करने का ट्राई करो। पर वो सनसनी केस खबर फ्रॉम मेनी पीपल, प्लीज अवॉइड दैट। और मतलब और बाकी सारे सीरियस बातों और पॉजिटिविटी के बाद लेट्स कम टू आप मेरे जिंदगी और इसके जिंदगी का फोकस खाना। ईट व्हाट एवर यू वांट, मतलब अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। भाई अगर डायबिटिक हो तो नहीं, घर पे सब कुछ रहता ही है तो जो भी मन करे बनाओ, और अगर
बाहर से भी मंगाना है कभी कभार, आप सेफ्टी फॉलो कर रहे हो तो मंगा लो, लेकिन कोशिश करो कि आप अच्छा अच्छा खाओ। मेरे ख्याल से इस समय काफ़ी लोग फिटनेस या इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सोचना कि मुझे पतले रहना है इसलिए मैं अच्छा नहीं खाना खाना चाहता हूँ, भाई इस समय ना लगी पड़ी है, तुम्हारे दिमाग की बहुत लगी पड़ी है, तो थोड़ा सा शायद 2-3 किलो ऊपर नीचे अगर आपका वेट रहेगा आपको चल जाना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड और फिजिकली स्ट्रेस्ड जितना ना हो सके उतना अच्छा है, एंड खाना खाना इज लाइक समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, एंड देयर साइंस बिहाइंड इट एज वेल। इन्फ्लुएंसर किसी भाई ने कोई तो रील बनाया था जो हम लोग दोनों के साथ एकदम रह गया। हमारे शरीर की अभी बहुत सारी प्रायोरिटी है, लाइक तुम्हें जिंदा रखना, तुम्हें इन्फेक्शन से बचाना। अब अगर इस सब चीजें में तुम ये सोचोगे कि अरे आई डोंट लाइक माय बॉडी बिकॉज इट्स नॉट इन द शेप दैट वी वांटेड टू बी इन, डूड इट हैड अदर प्रायोरिटीज, इट हैज अदर प्रायोरिटीज एंड इट्स फुलफिलिंग। सो मतलब एक और चीज जो शायद लास्ट चीज मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आप अनफॉर्चुनेटली अपनी नौकरी खो चुके हैं, अभी आपके पास काम नहीं है, तो शायद आप कुछ ऐसा ढूंढने का ट्राई करोगे विच कीप्स यू बिजी। YouTube वीडियो बना लो, खाना बनाने का ट्राई कर लो, शायद जो कभी नहीं बनाया, शायद लेट सो या जल्दी उठो वो आवर्स में जब बाकी लोग नहीं जगे हैं, तो शायद थोड़ा अपने लिए नी टाइम निकाल पाओ। वैक्सीन लगवा लो, अगर स्लॉट मिल रहा है तो। वैक्सीन इज योर बेस्ट शॉट, पन इंटेंडेड। वो भी आपको मेंटली काफी हेल्प करेगा। यही थे हमारी आज की इधर उधर की बातें, हम लोग किए हैं पॉजिटिविटी के बारे में बात। कोई भी चीज का अगर आप बात करना चाहते हैं तो बताइए, कोशिश करेंगे कि हम उसके बारे में बात करें, और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका आप आंसर चाहते हैं तो आप बताइए, हम उसके बारे में वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, ताकि आपकी खुद की भी हेल्प हो और बाकी लोग भी थोड़ा समझ पाए। हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है, पर हम लोग वो कॉमन लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शायद शेयर करके बाकियों के लिए भी थोड़ा सा चीजें ईजी कर पाए। घर वालों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, स्प्रेड कर दो हर जगह, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ट्राई टू स्टे पॉजिटिव व्हाइल बीइंग नेगेटिव। बाय। तो डब्बा क्यों हटा दिया? अच्छा ठीक है, मैं गेम रहा डब्बे के साथ। हाँ चल चल चालू कर, बता।